आज हम चिकन विंग्स बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। देखें छोटे छोटे हैं और ये बिल्कुल KFC स्टाइल के बनेंगे और सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसका प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं। इसमें मैं 4 टेबल स्पून 2 3 एंड 4, ठीक है जी, 4 टेबल स्पून में इसके अंदर योगर्ट यूज करूंगी। अच्छा जी, ये मसाले हैं, अगर आप चेक कर लें। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, रेड पेपर, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है। ये इसके अंदर गार्लिक जिंजर पाउडर है जो कि 1 टीस्पून है। ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, ये लहसुन पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। अगर आप पेस्ट लेना चाहें तो पेस्ट यूज कर लें। और ये जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन पे लिख भी देंगे। बस यही चीजें इस पे यूज होंगी और ज्यादा कुछ नहीं यूज होगा। और ये विनेगर है, ये 2 टेबल स्पून है विनेगर, व्हाइट विनेगर, ये मैरिनेट करने के लिए। और अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं हो तो आप लेमन यूज कर सकते हैं। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट भी नहीं है, आप मस्टर्ड पाउडर यूज करें, मगर ये यूज करना जरूरी है क्योंकि अगर आप KFC फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो फिर आपको पता है फ्लेवर लाने के लिए करना पड़ता है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैंने इसको सारा मैरिनेट करके तो मैंने इस पैकेट में डाल दिया था। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप इसको इस सिचुएशन में ओवरनाइट रखना चाहें तो इट्स योर चॉइस। और इस तरह करके आप इसको मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में, फ्रीजर में भी रख सकते हैं, हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 15 डेज के लिए भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसको बना लें। ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। और सेकेंड, जब मैं इसकी वीडियो बन रही थी उस वक्त आई थिंक कि प्लेट मसाले वाली ऊपर थी, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज हुई हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और आपको समझ आ जाएगी। इसको हल्का सा इसको मसल लें, जैसे थोड़ा सा मसाज करते हैं, और बस इसको हम रख देंगे 2 आवर्स के लिए। और रात के लिए रखना चाहें तो इट्स योर चॉइस, अगर फ्रीज करना चाहें तो इट्स योर चॉइस। 2 घंटे के बाद हम उसको फ्राई करके बताएंगे बिल्कुल KFC स्टाइल में। ये मैरिनेट हो चुका है 2 घंटे। आप चाहें तो 4 घंटे रखें, चाहे तो ओवरनाइट रखें, चाहें तो इसको बना के इस तरह फ्रीज कर दें, जब कोई गेस्ट आना हो निकालें, हफ्ता भी पड़ा रह जाए, 15 दिन आराम से रह सकते हैं, इसको कोई खराबी नहीं होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए मुझे मैदा चाहिए 1 कप, ये मैदा है बिल्कुल प्लेन मैदा 1 कप, ठीक है जी। इसके अंदर ये मसाले हैं, इसमें आप देख लें, ये 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर है। इसमें पाउडर डलेगा, इसमें दूसरी पेस्ट नहीं डलेगी क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। इसमें 1/2 टीस्पून रेड पेपर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड पेपर है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम यूज करेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं, और नॉर्मल सॉल्ट हो तो फिर ये नहीं डालना क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग का मेथड मैं आपको बताती हूँ ताकि जिससे KFC की तरह के क्रम्स बन सकें, वो मैं फिर अभी आपको बताती हूँ। हमने ये साथ नॉर्मल पानी रख लिया, नॉर्मल टैप वाटर है, नॉर्मल नलके का पानी जो होता है, कोई फ्रिज वाला ठंडा नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठंडा, हाँ गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैं विंग्स निकालती जाऊंगी, इसको इसके अंदर रखूंगी गद्दे में करके, और फिर मैं पानी में डालूंगी, और फिर पानी से निकाल के फिर हल्का हल्का ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये इसके अंदर ये क्रम्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं कि KFC तरह के क्रम्स आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं सारी विंग्स को कर लूंगी। दोबारा बता रही हूँ, एक दफा इसके अंदर कोटिंग करें, फिर इसके अंदर पानी में डिप करें, पानी से निकालें और दोबारा से इसके अंदर करें और थोड़ा सा मसलें, बस इतना सा प्रोसीजर है। और फालतू मैदे को, सॉरी साइड से थोड़ा मेसी हो रहा है, मैं इसको नीट करती हूँ, ठीक है जी। ये अब मैं सारा लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूँ कर रही हूँ, चलो पकड़ो। ये मैंने सारे इस तरह कर लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म है, हम इसमें डालती जाऊंगी
ठीक है, बहुत तेज़ आग पे नहीं करना, लेकिन दरमियाना ऑयल हो तो मैं इसको डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैं साथ साथ टर्न भी करती जाऊंगी हल्का हल्का सा, कि देखिए ऊपर क्रम्स बन रहे हैं इसके, और ये बहुत ही अच्छे क्रम्स बनते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके प्रॉपर क्रम्स बन चुके हैं केएफसी की तरह। आप घर में बनाए तो बहुत अच्छी बात है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये भी बस फ्राई हो रहा है, इसको 2 से 4 मिनट हुए। अगर चिकन लेग्स लेंगे आप तो वो 12 से 14 मिनट लेंगे, कुछ बड़ी लेग्स हो तो 18 मिनट भी लेती हैं, लेकिन नॉर्मली ये 8 से 10 मिनट में प्रॉपर फ्राई हो जाएंगे। ये तैयार हो चुका हुआ है, आप इसको देखें, ये बहुत अच्छा और क्रिस्पी है, और ये बहुत ही जूसी है अंदर से। आप देखिए क्रंच की आवाज़ आपको आ रही होगी, और ये प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और काइंडली आप इसको ज़रूर बनाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो यकीनन फिर आपको KFC या किसी जगह से बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बना सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।